जो भ्रूण हत्या का आप कर रहे हो, कमिट कर रहे हो उस वीडियो में। आराम से आओ, बैठ के बात करो, क्या प्रॉब्लम थी, क्या बात थी, आप आके बैठ के बात करो। जी जी, मुझे मना नहीं किया। जिसमें वीडियो में आप पैसे भी मांग रहे हो, भी 15,000 लूंगी, जो उसमें से बच्चा भ्रूण निकलेगा, बेटी निकलेगी, उसको तुम बेशक नहर में छोड़ो, पानी में दबाओ, सब कुछ है उसमें। मैंने आपसे किसी कुछ कहा नहीं, जो कहा था मैं खुद नहीं करती, मेरा एक हॉस्पिटल और है जिनको जो रजिस्ट्रेशन है उनके पास होता है ये काम। मैंने बोला 3.5 महीने का बच्चा, हमारे टेस्ट करवाया, जो बेटी है, बेटी को गिराना है, तो आपने बोला कोई डोंट वरी, पैसे लगेंगे, बेटी भी गिर जाएगी। लेने नहीं आता कुछ भी कहा, मेरे तो मेरे पास सारे कोई अबनॉर्मल बेबी है, अबनॉर्मल बेबी के 2-3 दिन डॉक्टर होते ना, मैंने उन डॉक्टर के पास ही कहा, मैं तो सुना ही थी जी ये वहाँ पे होएगा। ते और जड़ी बेटी जी बच्चा निकलेगा जी, भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है, फिर भी भगवान का रूप कहे जाने वाले कुछ डॉक्टर चंद पैसों के लिए ऐसा घिनौना काम करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पानीपत के सिमरन नर्सिंग होम में, जहां बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मां की कोख में मार दिया जाता है। आप भी देखें सिमरन नर्सिंग होम की डॉक्टर परमजीत कौर का यह वीडियो, जिसमें एक आदमी डॉक्टर से बात कर रहा है कि उसने अपनी पत्नी का अबॉर्शन करवाना है जिसकी कोख में बेटी है, तो डॉक्टर कहती है कि अबॉर्शन हो जाएगा, 15,000 रुपए का खर्चा आएगा और 2,000 रुपए जमा करवाने की बात भी करती है, जिसके बाद आदमी अस्पताल में 2,000 रुपए जमा करवा देता है। और जब आदमी पूछता है कि अबॉर्शन के बाद इस बच्चे का क्या करना है, तो डॉक्टर बोलती है कि बच्चे को नदी में फेंक देना या फिर जमीन में दफना देना। आप भी देखे परमजीत कौर डॉक्टर का यह वीडियो। पूरी डिलीवरी होगी, डिलीवरी हो जाएगी, पता जी दीदी मैं दसा जी टेस्ट करवाया जी, पहला 2 बेटियां जी। हाँ जी, किन्ना खर्चा जी? 15,000। अपना किन्ना टाइम लगेगा जी? आज दवाई देंगे, कल पेंस करेंगे, कल सारा दिन भी लग सकता है, दोपहर तक कल लगेगा सारा दिन। अच्छा, वो भी डिलीवरी होनी, कोई वैसा नहीं होगा, थोड़ा कम अच्छा पूरी डिलीवरी होनी। पता है ग्रोथ ज़्यादा बच्चे की, कल प्रेगनेंसी की कोई तो दिक्कत नहीं है? नहीं, पता है कि वो मिल नहीं सी रहा, फिर हूँ दीदी तो किसी से नंबर लेके फिर दीदी ना गल की, फिर दीदी को आया। पता है 3.5 महीने का उन्हें दसा जी जो चेक कराया ना बेटी, उस तो बाद फिर एक बार रिपीट किया जी उन्हें, फिर दोबारा देख के उन्हें फिर कहा जी कहना जी तो अपना 15,000 मिलेगा। पता कि कल ना भाभी खोल सके तो उन्हें थोड़ा कहता भी बच्चे की ग्रोथ जिम्मे ज्यादा कट कुट के क्डना, टेंशन जी ली हुई सी ने भी फिर कल आ जाओ जी, किन्ने बजे आवा जी? आज पहले दवाई दे आंगे ना। नहीं, मैं थोड़ा पैसे का भी कर रहा ना इंतजाम, 15-20 हज़ार रुपये तो चाहिए घट्टो घट, 5 हज़ार तो उत्ते चाहिए जी, 15,000 हूँ तो नहीं, हाँ नाल ही है जी, इतने थर्मल है मासी, मैं ले आना जी, कोई गल नहीं।
ਜੇ ਕੱਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਪੇਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੱਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੱਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਲੁੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਵਾਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। सो देखा आपने इस वीडियो में कि परमजीत डॉक्टर कैसे अपने अस्पताल में भ्रूण हत्या का घिनौना काम करती है। जब हमारी टीम ने इस मामले में पानीपत के सीएमओ से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब हमारी टीम ने इस मामले में अस्पताल की डॉक्टर परमजीत कौर से फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, आओ सुनते हैं। हेलो हेलो, डॉक्टर परमजीत कौर? हाँ जी, सिमरन नर्सिंग होम से बात कर रहे हैं मैडम? हाँ जी, एवन पंजाबी टीवी चैनल के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ मैडम, पटियाला से। हाँ जी मैडम, आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ मैडम, एक आपके हमारे पास जो स्टोरी है, स्पेशल स्टोरी थी भ्रूण हत्या के बारे में। अच्छा। जो भ्रूण हत्या का आप कर रहे हो, कमिट कर रहे हो उस वीडियो में, नहीं उसका ओरिजिनल वीडियो है जी हमारे पास पूरा, जो स्टोरी है। हमने सिर्फ आपका नहीं, बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ये कार्य कर रहे हैं सरकार के नियमों के विरुद्ध, उसमें आपका भी हॉस्पिटल है। आप किसने कहा? किसने कहा नहीं मैडम, वो पूरे की पूरी स्टोरी आपकी हमारे पास पहुंची हुई है। अच्छा। जिसमें वीडियो में आप पैसे भी मांग रहे हो। अच्छा। भी 15,000 लूंगी, जो उसमें से बच्चा भ्रूण निकलेगा, बेटी निकलेगी, उसको तुम बेशक नहर में छोड़ो, पानी में दबाओ, सब कुछ है उसमें। मैंने आपसे किसे कुछ कहा नहीं, जो कहा था मैं खुद नहीं करती, मेरा एक हॉस्पिटल और है जिनको जो रजिस्ट्रेशन है उनके पास होता है ये काम, और ये अब नॉर्मल बेबी था। अच्छा, आप आगे करवा देते हो? हाँ जी, जो रजिस्ट्रेशन मैं खुद नहीं करती, जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है अब नॉर्मल बेबी जिनको अथॉरिटी मिली हुई है उनके पास होता है, मेरे पास नहीं होता। नहीं, भ्रूण हत्या की अथॉरिटी तो सरकार ने किसी को भी नहीं दी हुई, बेटी को मारने की पेट में भ्रूण हत्या की नहीं है ये बात, में इन्होंने जो भी कर रहे हैं मेरे पास तो आए थे कि अब नॉर्मल बेबी है, अब नॉर्मल बेबी की तो अथॉरिटी सब एमडी हॉस्पिटल में है। उस वीडियो में हम नॉर्मल बेबी की कोई बात नहीं, उन्होंने बोला 3.5 महीने का बच्चा, हमारे टेस्ट करवाया, जो बेटी है बेटी को गिराना है, तो आपने बोला कोई डोंट वरी पैसे लगेंगे बेटी भी गिर जाएगी। लेने नहीं आता कुछ भी कहा, मेरे तो मेरे पास आया कोई अबनॉर्मल बेबी है, अबनॉर्मल बेबी के बहुत ही जिन डॉक्टर होते हैं ना, मैंने उन डॉक्टर के पास ही कहा, मैंने सुना ही दी थी जी, ये वहाँ पे होएगा। तो पैसे तो आप 15,000 मांग रहे हो, भी पैसे जमा भी करवाओ हमारे पास 15,000, आज कितने जमा करवाओगे? मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने नहीं करवाया, जो डॉक्टर वहाँ पे जो करेंगे उनके पास तो हमें भेजना होता है ना, जिनको अथॉरिटी होती है, ऐसे कोई बोनस क्या नहीं होती, जिनको अथॉरिटी होती है ना डॉक्टर को वो ही करते हैं। मैडम अथॉरिटी किसी को नहीं है, भारत सरकार की दी हुई भी बच्चे को बेबी को गिराया जाए, कोई नहीं होती, जो अब नॉर्मल बेबी हो या बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा। मैडम इसमें जो पूरा सच सामने आया हुआ है, आप अब कुछ भी बोल रहे हो, उसमें बोला 3.5 महीने का बेबी है, गुड़िया है, उस गुड़िया को गिराना, आपने बोला मैं 15,000 रुपया लूंगी, आज कितने जमा कराओगे? हाँ जी, हाँ जी सर, आप आके बात कीजिए, हमारे पास इतना टाइम हो रहा है, हम आपके साथ फोन पर बात के है, आराम से आओ बैठ के बात करो, क्या प्रॉब्लम थी, क्या बात थी, आप आके बैठ के बात करो। जी जी, मुझे मना नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी सर, थैंक यू, थैंक यू। अब देखना होगा कि पानीपत का प्रशासन इस मामले में अस्पताल पर क्या कार्रवाई करता है। की तुहाडा विदेश विच घूमण दा है सुपना? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ SE ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, PR ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹਗੀਰ ਬਣੇਗਾ SE ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 73407-37362, 73407-37369। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹੱਲ
फिर क्यों हो परेशान? जिवें मन चाहिया प्यार, पति पत्नी च अणबण, काले जादू का खात्मा, वशीकरण, लाटरी नंबर पाओ, प्यार विच धोखा खाधे हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो। संपर्क करो विश्वनाथ तांत्रे। तुसी संपर्क कर सकते हो 90244-70842। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले है, 2-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो। सिर्फ 2-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जिहड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट चुन बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।